जय श्री राम। आज हम बनाएंगे लड्डू। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे मूंगफली। मूंगफली हम यहाँ पे 1.5 कप लेंगे। आप मेज़रमेंट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 2 कप, 2.5 कप, चाहे जितना भी। मूंगफली को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए, ये धीरे धीरे करके रोस्ट हो चुकी है और ये क्रैक हो चुकी है, तो इसका मतलब ये फ्राई हो चुकी है। और इसे 2 मिनट और हम चलाएंगे, और गैस ऑफ करने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट चलाएंगे, जिससे ये नीचे से जले नहीं। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, छिलका निकल गया है, इसका मतलब ये फ्राई हो चुका है। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके छिलके हमें रफ़ करके निकाल लेना है। अब इसे एक मिक्सर बाउल में डालेंगे और फिर इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप चीनी। पानी का मेज़रमेंट हम बहुत ध्यान से करेंगे। यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम हमने पानी लिया है, क्योंकि हमने 1.5 कप चीनी ली थी। अब हमने इसे चला लेना है, लगातार चलाते हुए इसकी चाशनी बना ले ली है। चाशनी पूरा एक तार नहीं बनना चाहिए, बस एक तार के स्टार्टिंग में ही इसमें हम जो बादाम का मिक्सचर पीस कर रखे हैं उसे ऐड कर देंगे। और इसे लगातार चलाते हुए यहाँ पे इसमें इसे रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो केवरा वाटर भी डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे भूनने के बाद, लाइट ऑफ हो चुकी है, इस वजह से इसका कलर डार्क नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है, जो 4 से 5 चम्मच है। 4 से 5 चम्मच तिल ही हमने इसमें डाले हैं। और यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट हमने ले लिया है, जिसे डाल देंगे इसमें और इसे मिला लेंगे। और इसे लगातार चलाते रहिए, इसे छोड़ना नहीं है। अगर घी है तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें घी ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप करें और इसे चलाते हुए रोस्ट कर लें। बहुत ही अच्छी तरीके से आप भून लें। और भूनने के बाद इसे हम गैस ऑफ कर देंगे, मगर उससे पहले हमें ये देखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी रिवन टाइप की नहीं होनी चाहिए। इससे हमें और गाढ़ा करना है, थोड़ी और ज़्यादा थिक करनी है। बस ये 1 से 2 मिनट में थिक हो जाएगी और फिर हम इसे निकाल लेंगे। इसके लिए हमने बटर पेपर पे घी लगा कर रखा है और हमने सारे मिक्सचर को उसमें निकालना है। निकालने के बाद इसे हमें ठंडा कर लेना है। और ये देखिए, मिक्सचर तैयार है। आप चाहे तो इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे अब हम इसे ठंडा करेंगे। इस तरीके से करने से ये जल्दी ठंडी हो जाती है। ध्यान रखें, ये ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ठंडी हो गई तो एक हार्ड डो तैयार हो जाएगी, तो फिर लड्डुओं को बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि हम हाथों से लड्डुओं को तैयार कर सकें, हाथ हमारे जले नहीं। तो यहाँ पे हमने देखिए एक छोटे से बॉल ले लिया है। आप चाहे तो सिलेंडर का रूप भी इसको दे सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे लिया है ग्रेटेड नारियल, उसमें हमने इसे रैप कर लेना है, जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट में भी इसे रैप कर सकते हैं, जो आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बना लिए होंगे, मगर मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही थी तो मैंने इसी तरीके से इसे बना लिए हैं। और इस प्रोसेस को हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि डो को ठंडा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसमें बनाएं और इसमें रैप करते जाएं, और सारे लड्डुओं को आप इसी तरीके से तैयार कर लें। और ऊपर से आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, बनकर तैयार हो चुकी है। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए, कुछ लड्डुओं को रैप करने में दिक्कत आई है, क्योंकि वो ठंडे हो चुके थे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ठंडा नहीं हो। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल का बटन सेलेक्ट कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स।